वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास नाइन्थ हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन उस ट्रायंगल के हमें दो साइड दिए हैं और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें दिया है। तो जब भी हम ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला, हमें तीनों साइड पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो साइड पता है, एक है 18, एक है 10, और हमें दिया है पेरीमीटर। हम इस पेरीमीटर का यूज करके पहले तीसरा साइड निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमें पेरीमीटर की फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर जो है वो होता है बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये ए बी सी क्या है, यह है तीन साइड ट्रायंगल की। ए हम मानेंगे 18 सेंटीमीटर, बी हम मानेंगे 10 सेंटीमीटर, और सी वाला जो साइड है, तीसरा साइड जो, वो नहीं दिया है, वो निकालना है। और पी जो है, पी इज पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर का वैल्यू से वो शूट करेंगे 42 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस सी। 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इज 28 प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, यह आएगा 42, 28 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बने -28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आएगा 14, सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड जो है इस ट्रायंगल का, वो क्या आया, वो आया 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एस। वैल्यू ऑफ एस जो है, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टू, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ, या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पी लिखा, वो है 42 डिवाइडेड बाई टू। कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करके क्या आता है, 21 सेंटीमीटर। तो एस का वैल्यू है 21। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू क्या है 18, 21 माइनस बी का वैल्यू क्या है 10, एस माइनस सी 21 माइनस 14। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 21, 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7। तो यहाँ पे 21 जो यहाँ पे है, इन सभी नंबर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा फैक्टर्स के बेस पे इसको करेंगे ताकि इजी हो जाए। 21 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, एक और 3 है, 11 है और 7 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 7 दो बार है इसलिए हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 3 दो बार है इसलिए हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 11। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नंबर्स, रूट हम स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की केस में रूट स्प्लिट हो जाता है, एडिशन की केस में रूट स्प्लिट नहीं होता, इस बात को आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है नंबर्स, इसलिए हम रूट को स्प्लिट कर सकते, इसलिए मैंने रूट स्प्लिट किया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 11। 7 इंटू 3 21, रूट ऑफ 11। यूनिट क्या था इसका, यूनिट सेंटीमीटर में था, इसलिए क्योंकि ये एरिया है, यहां पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।